शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बड़ी भाभी को अपने भाई के शादी के लिए गिफ्ट खरीदने के लिए कुछ पैसे दिए थे। नियति, क्या यह सच है? जी। इस घर में कौन सी बहू किसको क्या देगी, यह सोचना तुम्हारा काम नहीं है। इस घर में बहू बनकर आई हो तो बहू बनकर रहो, तुम बस अपने काम से काम रखो। क्यों किया तुमने ऐसा? क्या किया मैंने? तुमने नियति और रोहिणी भाभी के बारे में किसी और से डिस्कस नहीं किया? जब से वो इस घर में आई है तब से तुम उसे ऐसी नजरों से देखती होगे, हमेशा उसे माँ की नजरों के सामने गिराने की कोशिश करती हो। तुम क्या कह रहे हो, क्यों कह रहे हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अगर गलती से मुझसे कुछ हो गया है तो उसका इतना बड़ा इशू बनाने की कोई जरूरत नहीं है ऋषि। क्या मैंने खुद जाकर माँ जी को बताई है सारी बातें? तुमने कनिका को तो कहा ना? मैंने ऐसे ही कह दिया, मुझे क्या पता था कि तुम्हारी कम अकल बहन जाकर ये बात माँ जी को बोल देगी। कम अकल वो नहीं है, कम अकल हो तुम, क्योंकि बार बार ऐसी गलतियां करके तुम घर का माहौल खराब कर रही हो। मैं इस घर का माहौल खराब कर रही हूँ? तुम तब से इतना कुछ कहे जा रहे हो, मेरी कुछ सुनी नहीं रहे हो। क्या सुनूं मैं तुम्हारी बात, जब भी करती हो बेसर पैर की बात करती हो तुम। आइंदा से ऐसा मत करना। ऋषि, ऋषि मैंने जानबूझ। दीदी स्माइल। कुछ नहीं। तुम मुझे सुबह सुबह बैठ के ऐसे देखकर हंस क्यों रहे हो? क्योंकि अभी तक तुम कोई फनी सा ड्रीम देखकर नींद में हंसे जा रही थी। ऐसा क्या जोक सुन लिया, हमें भी सुना दो। टाइम नहीं है बहुत सारा काम करना है। बताओ ना जानू। जानू बताओ। बताओ बताओ बताओ। बता।
अरे ये नाश्ते में और कितनी देर है भाई? अभी लाई, दो मिनट में। छोटी, इनके लिए चाय और टोस्ट लेकर आओ। लाई। अरे बटर मत लगाना। ओहो। छोटी, आई मम्मी जी। आज तो मम्मी वाला हाल हो गया। इतना साथ आते थे ना हम लोग मम्मी को। समझ में आया मम्मी कैसे मैनेज करती होगी। बाप रे, मैं चाय लेकर आई रही थी, ये लीजिए आपकी चाय और ये नाश्ता। भाभी मेरा नाश्ता? अभी लाती हूँ। कनु ये लो। थैंक यू भाभी। वेरी स्मार्ट दीदी, नाश्ता मैं बना रही हूँ, थैंक्स आप ले गई। खैर जाने दो, मुझे जो बात करनी है मैं इनसे वो बात कर लेती हूँ। दीदी। अरे छोटी, वो मैं क्या कह रही थी। अरे वाह, तुमने नाश्ते के साथ साथ दोपहर के खाने की तैयारी भी कर ली। जी मम्मी जी, चावल बन गए, दाल चढ़ी हुई है और सब्जी बनाकर बस रोटी बना देती हूँ। ऐसा करो, ये सब्जी और रोटी मैं बना लेती हूँ, तुम ऑफिस के लिए लेट हो जाओगी। जाओ। अरे मम्मी जी मैं कर लूंगी। जाओ बेटा, ये है ना। ठीक है मम्मी जी। मंजली वो जरा उधर से कढ़ाई पकड़ाओ, मसाले का डब्बा पकड़ाओ। नीति जी। जी दुबे जी, कुछ काम था? एक्चुअली मुझे आपसे एक फेवर चाहिए था। जी कहिए दुबे जी। आपको तो पता ही है कि मेरे गृहस्थ जीवन में कितनी परेशानियां चल रही है। हमें कहीं पता है, मुझे कहां से पता होगा। मुझे अब समझ में आ रहा है कि दो नावों पर कभी सवारी नहीं करनी चाहिए। थाली का बैगन मन दुबे जी, थाली का बैगन मन। दुबे जी आप कुछ परेशान लग रहे हैं, बताइए ना बात क्या है। मेरी हालत है ना धोबी के कुत्ते की तरह हो गई है, कुत्ते की तरह। घर का ना घाट का, समस्या तो पहले भी थी लेकिन अब ये इतनी उलझ गई है कि इन समस्याओं को सुलझाने के लिए मुझे यहाँ से फौरन जाना पड़ेगा। हाँ तो अब जाइए। मैंने मैंने थैंक्स नियति जी, मुझे आपसे यही उम्मीद थी। अब मैं निश्चिंत होकर जा सकूंगा, निश्चिंत होकर। यादव जी तो ये पूरा काम निपटाए बिना मुझे जाने ही नहीं देते, लेकिन मैं अब उन्हें कह सकता हूँ आप मेरी जगह काम कर रही हैं और ये काम आज आप उनको पूरा कर कर देंगी, देखिए ना। अरे पहले से इतना काम है, घर का काम है, अब इनका काम भी करूं। देखिए नीति जी,
मना मत कीजिएगा, इस बार मेरा घर बच गया ना तो सिर्फ आपकी बदौलत ही बचेगा। लीजिए प्लीज, लीजिए, थैंक यू वेरी वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। अच्छा माँ, मैं बताऊँ, दुकान में आज सेल बहुत ही अच्छी हुई। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। बेटा ये मेरे मुबारक कदमों का नतीजा है। हाँ नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, ये आपने बिल्कुल ठीक कहा। अरे ऋषि, वो मिसेस सेठी का फोन आया था। हाँ। वो शादी है ना उनके यहाँ, तो 10 साड़ी उन्होंने स्पेशल डिजाइन की कांजीवरम की मंगाई है। अरे वाह, मैं कल ही ऑर्डर करता हूँ। अब मुझे कल से दुकान पे तो नहीं जाना ना? क्यों नहीं जाना? अरे दुकान का काम ये इतनी अच्छी तरह से संभाल रहा है, और इस दुकान के चक्कर में मेरे कितने काम है, इतने इम्पोर्टेंट काम है, मैं कर नहीं पा रहा। कौन सी काम है? काम? हाँ बोलिए ना। अब क्या बताऊँ, क्या समझोगे तुम लोग? मजाक कर रहा हूँ। अच्छा। मैं जाऊँगा दुकान पे। मुझे दुकान पे जाना बहुत अच्छा लगता है। हाँ वो तो आपको अच्छा लगना भी चाहिए। अच्छा ऋषि, मैं क्या कह रही थी कि वो जो अपन बनारसी साड़ियों का जो बोल रहे हैं ना ऑर्डर, उसके साथ कुछ है ना पैथरी साड़ियाँ भी मंगवा लो, फिर शादी का सीजन है, फटाफट बिकेंगी। बिल्कुल सही कह रही है, वो तो यूं बिक जाएंगी। हाँ, अरे चलो, आप सारी बिजनेस की बातें यही करोगे, चाय की तलब लग रही है भैया, घर में चलते हैं। चलो कनिका, तू भी योगा सीख, तेरा पढ़ाई में मन लगेगा। तो हस्त पादप, अरे वाह, योगा देख रही हो बेटा? हाय। आओ बेटा। कर लूं, पानी पिला दे ग्लास, जा। भाभी। हाँ? गर्मा गर्म बढ़िया चाय हो जाए। हाँ बेटा, मुझे भी एक कप गर्मा गर्म चाय पिला दो। अब मुझे भी। हाँ नियति, प्लीज चाय बना दो ना, मेरा योगा छोड़ने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है। हेलो, मैं डॉक्टर रूपा खन्ना बोल रही हूँ। अरे डॉक्टर रूपा, आप कैसी हैं? हाँ जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपकी बहू के सारे टेस्ट रिजल्ट्स आ चुके हैं और वो पॉजिटिव है। कंग्रेचुलेशंस, आप दादी बनने वाली हैं। सच? बिल्कुल सच। और जब आप अगली बार अपनी बहू को दिखाने लाएंगे ना, तो मेरे लिए मिठाई का डब्बा जरूर लेके आइएगा। अरे ये भी कोई कहने की बात है। थैंक यू। यू वेलकम। अरे छोड़ो योगा वोगा, आपको पता है हम लोग फिर से दादा दादी बनने वाले हैं। बेटा तुम माँ
वापस नहीं वाला और मैं चाचा बन गया। माँ बनने वाली है वो, उतारो नीचे। नियति वैशाली माँ बनने वाली है। बधाई हो दीदी। थैंक यू नियति। दीदी सच में आपने बहुत अच्छी गुड न्यूज दी है। मैं आपके लिए सिवैयों की खीर बनाऊंगी अपने हाथों से। आपको पसंद है ना? बहुत पसंद है। हाँ हाँ जरूर बनाना। और ऋषि जो भी मिठाई है ना वैशाली को सबसे ज्यादा पसंद है ना वो लेकर आ जाओ। बिल्कुल लाऊंगा माँ। और मछली तुम आज से कोई काम नहीं करोगी। लेकिन माँ जी घर में इतना सारा काम है और संभाल लूंगी सब। अब फिर नियति है ना, काम हो जाएगा दीदी, डोंट वरी। और हाँ मैं कुछ नहीं जानती, मुझे तो एक डायमंड पेंडेंट ही चाहिए इस खुशी पर। ले आऊंगा बाबा, ले आऊंगा मैं। तू और तेरी डिमांड। ये सैलेड खाओ, सैलेड तुम्हारे लिए बहुत अच्छा होगा। लो 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 बेटा, ये दाल भी खाओ, दाल में से प्रोटीन मिलेगी। दाल खाओ दाल। भाभी आप ग्रीन वेजिटेबल्स खाओ। मंजली तुमने सबका सुन लिया ना, तुम्हारा जो मन करे वो खाओ। अरे छोटी मुझे लगता फुलके बहुत हुए हैं, तुम भी खाने को बैठ जाओ। किसी को कुछ चाहिए होगा तो मैं देख लूँ। मम्मी जी आप लोग खाइए ना, मैं परोस देती हूँ, बाद में खा लूंगी। तुम्हें क्या लगता है? क्या लड़का क्या लड़की? मैं बताऊं भैया, देखना लड़का ही होगा। भाई मुझे तो लगता है लड़की होगी। लगी शर्म? लगी। अरे भाई जो भी होगा भगवान का प्रसाद होगा, लड़का हो या लड़की। अहम बात यह है कि वो किस पे जाएगा या किस पे जाएगी। अगर लड़का भैया पे गया तो, पर अगर वो भाभी पे गया तो। मैंने तो भैया भाभी से मिलते जुलते दोनों के नाम सोच लिए हैं। अच्छा अगर लड़का हुआ तो उसका नाम होगा कृषि। अरे वाह। और अगर लड़की हुई तो वो होगी कृषाली। अच्छे नाम है ना? बहुत अच्छे। सेवैया की खीर भूल गए? अभी लेकर आती हूँ।